गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग ऑटो कैड की सीरीज में एक प्रैक्टिकल फिगर बनाना सीखेंगे जो कि हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये फिगर हमें बनाना है जिसकी डायमेंशंस दी हुई है ऑलरेडी, तो हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस लाइन जो 14 mm की है उसको खींचेंगे। उसके लिए हम लाइन कमांड का यूज करेंगे या लाइन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट कोई भी लिया और यहाँ पर हम इसको कमांड देंगे 14 mm, और फिर ये एंटर कर देंगे तो ये 14 mm की लाइन खिंच जाएगी। आप देख रहे होंगे कि ये लाइन 90 डिग्री में ऊपर नीचे या हॉरिजॉन्टल में 180 डिग्री में ही मूव कर रही है। इसका मुख्य कारण है कि मैंने इसमें ऑर्थो ऑन किया हुआ है, जिसके लिए जो कमांड है वो कमांड F8 कमांड है। बिना F8 कमांड के भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी मैं F8 कमांड का यूज करके लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट डायमेंशन है वो है 3 mm, तो अब हम वर्टिकली 3 mm की कमांड देंगे और एंटर करेंगे तो 3 mm की लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल में 3 mm लाइन एक और है, इसको भी ड्रॉ करेंगे। इसके लिए 3 mm की कमांड देते हैं, 3 mm की कमांड दी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच गई। अब देख रहे होंगे कि वर्टिकल में 4 mm की लाइन है। इसके लिए फिर हमने वर्टिकल में 4 mm की कमांड दी और एंटर कर दिया और दोबारा एंटर कर दिया। ये एंटर हमने इसके लिए किया है क्योंकि ये जो लाइन है इस लाइन का हमें डायमेंशन और एंगल नहीं पता है। तो उसके लिए अब हम लोग रिवर्स ड्राइंग बनाएंगे। अभी तक हमने यहाँ से ये ड्राइंग यहाँ तक बनाई हुई है, अब हम उल्टा ड्राइंग ये वाली कंप्लीट करेंगे। इसके जो डायमेंशन हम देख रहे हैं ये 10 mm है, तो हम लोग 10 mm की लाइन एक खींचेंगे। ये हमने वर्टिकली 10 mm की लाइन खींच ली और इंटर किया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये हाफ सर्किल है जिसका जो डाया है वो 4 mm है, अर्थात रेडियस 2 mm की होगी, बट ये हाफ सर्किल है तो इसको हम हाफ बाद में करेंगे, पहले हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। अब इसमें देख रहे हैं कि हमें एक सेंटर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ से ये 2 mm का रेडियस का सर्किल बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हम पहले 2 mm की एक लाइन खींचेंगे, ये हमने 2 mm की लाइन खींची और उसके बाद यहाँ पर हम इसको इंटर कर देंगे। तो ये जो 2 mm की लाइन है ये एक्चुअल में इस सर्किल के लिए रेडियस का काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, सर्किल कमांड लेंगे और इस पॉइंट पर रखेंगे और यहाँ से 2 mm का कमांड दे देंगे, तो हम देखेंगे कि ये सर्किल बिल्कुल ठीक इस लाइन को टच करता है। उसके बाद फिर ये 2.4 mm का एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचा हुआ है, तो ये 2.4 mm का एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे यहाँ से। अब देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे सेंटर में पॉइंट रखा है और बिना लाइन ड्रॉ किए एक ड्राई रन लिया है, तो ड्राई रन बराबर सेंटर टू सेंटर एक फॉल्स लाइन ड्रा कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लंबाई है 2.4 mm। तो हमने यहाँ पर 2.4 mm कमांड दिया और एंटर कर दिया। अब हम देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है या तो ये 90 डिग्री में मूव कर रही है या 180 डिग्री में मूव कर रही है, जिसका जो कारण है वो मुख्य कारण ऑर्थो का ऑन होना है। और चूंकि हमें ये इंक्लाइंड लाइन बनानी है तो इसके लिए हमें इसका ऑर्थो बंद करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग F8 का वार्ड दबाते हैं, ऑर्थो बंद हो गया, अब ये लाइन किसी भी एंगल में ड्रॉ हो सकती है। तो हमने इसको इस लाइन पे जाकर यहाँ पर मिला दिया और ये इंटर कर दिया। अब देख रहे होंगे कि ये फिगर हमारा लगभग कंप्लीट होने को आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एक और बना हुआ है, इसके हमें बनाना है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने फेसेस हैं अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 छः, छः फेस हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं पॉलीगन चूज करते हैं। पॉलीगन चूज करने के बाद नीचे यहाँ पर ये मांगेगा इंटर द नंबर ऑफ साइड्स, तो ये जो फेस जो मैंने छः बताए हैं यही एक्चुअल में साइड्स है, तो यहाँ पर हम 6 एंटर करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है
वो टोटल डिस्टेंस 2 mm है, जो कि अभी हम लोग डायमेंशन में देखेंगे। तो यहाँ पर हम जाकर सबसे पहले क्या करेंगे, और चूंकि ये जो ड्राइंग है ये इस सर्कल के अंदर बनी हुई है, इसके लिए हम इन स्क्रिप्ट इन सर्किल ऑप्शन में चूज करेंगे, और उसके बाद हम रेडियस देंगे 1 mm का, तो डायमीटर हमें 2 mm का मिलेगा। मतलब रेडियस अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 1 mm है, और टोटल डिस्टेंस वो 2 mm है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक का 1 mm का रेडियस देके इस हेक्सागन को हमने बनाया है। तो यह हेक्सागन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हमें फिलेट बनाना है। तो दोस्तों, अभी फिलेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये दिखा रहा है फिलेट लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले चूज करेंगे। अब यहाँ पर जो फिलेट की जो ये रेडियस है, ये रेडियस एक्चुअल में 3 mm है, जो हम आगे डायमेंशन में दिखाएंगे, इस फिगर में नहीं दिखाया गया है। तो हम 3 mm सबसे पहले रेडियस देंगे। तो सबसे पहले कमांड बॉक्स में चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि रेडियस ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। ये रेडियस ऑप्शन हम चूज करेंगे और 3 टाइप करके एंटर करेंगे। इसका मतलब है कि अब ये 3 mm का ही रेडियस बनेगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोग अब ये देखेंगे कि ये जो फिलेट है ये इस लाइन हॉरिजॉन्टल, इस वर्टिकल लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बना है, तो हम एक एक करके दोनों लाइन में फिलेट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट की, ये देखिए ऑटोमेटिक ये फिलेट बन गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है ये सर्कल हमें बनाना है, जिसका रेडियस 1.6 mm है, और वो 1.6 mm है वो इस फिलेट के सापेक्ष अर्थात इस फिलेट के सेंटर से ही इस सर्कल का निर्माण करना है। तो उसके लिए हम सर्कल कमांड चूज करेंगे, इस फिलेट के ऊपर हम रखेंगे पॉइंटर अपना, तो ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर ये सेंटर पता लग जाएगा। अब यहाँ से हम 1.6 mm रेडियस का एक सर्किल बना देंगे। तो इस तरह ये हमारे ये सर्किल बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट होने को आ गई है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये डायमेंशनिंग। तो दोस्तों, डायमेंशनिंग में कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि ये फॉन्ट साइज है, और ये जो इसका स्ट्रक्चर है किस तरह के का डायमेंशन शो करेगा, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं डायमेंशन दे देता हूं। तो नॉर्मली आप डायमेंशन दे सकते हैं, उसके लिए कुछ एक बेसिक स्टेप्स है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन आपको देनी है, जो कि 14 mm है, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशन बॉक्स यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट और चौक, इस तरह के इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी हमें लीनियर डायमेंशन दिखानी है, तो हम लोग पहले लीनियर ऑप्शन चूज करेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और प्लस इस पॉइंट पर बिना क्लिक किए हुए जाएंगे, और फिर नीचे आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आकर ये डायमेंशन को शो कर देंगे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर तो क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक नहीं किया था। उसका रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पर क्लिक कर देते तो ये जो लाइन जो यहाँ पर हमें डायमेंशन दिखानी थी वो एक्चुअल में यहीं पर ही दिखाने लगती, और वो डायमेंशन गलत होती। तो इसके लिए यहाँ पर हमने केवल इस लाइन का रेफरेंस लिया और नीचे आ गए, और फिर इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर जो पॉइंट था उस पॉइंट पे हमने क्लिक किया हुआ है, और फिर हमें ये डायमेंशन मिल गई है। अब नेक्स्ट डायमेंशन जो है ये वर्टिकल डायमेंशन हम दिखाएंगे। इसके लिए भी लीनियर कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पहले क्लिक करेंगे, फिर इस पॉइंट पर एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये हम बाहर पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जब हमें डायमेंशन पूरी फाइनल हो जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने क्लिक किया सेकंड पॉइंट, उसके बाद अगर आप यहीं पर तीसरा क्लिक भी कर देंगे तो ये जो 3 mm है वो 3 mm यहीं पर ही दिखाने लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस लेके तब क्लिक करना है। तो हमें एक्चुअल डायमेंशन जो इस साफ साफ जो दिखाई दे रही है वो हमें दिखाई देगी। तो अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं, इसको भी हम ऊपर करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये 10 mm का, इसके लिए यहाँ पर हमने क्लिक नहीं किया है, हम सीधा पहले यहाँ आएंगे
उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अब चूंकि ये डायमीटर है तो यहाँ पर हम डायमीटर ले लेंगे, क्लिक किया डायमीटर। उसके बाद यहाँ पर ये रेडियस है, यहाँ पर हम रेडियस लेंगे, ये हमने क्लिक कर दिया। अब फिलेट का रेडियस जो नहीं दिखा रहा था वो रेडियस भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर फिलेट का रेडियस, अब उसके बाद लीनियर कमांड, इन दोनों के बीच का डायमीटर दिखाना है। इस तरह अब देख लेंगे कि यहाँ पर ये हाफ सर्किल है लेकिन यहाँ पर ये फुल सर्किल है, तो हमें इसको भी हाफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। यहाँ पर हमने ट्रिम कमांड का यूज किया और ये हाफ सर्किल बन गया। दोस्तों ट्रिम कमांड का यूज करने के बाद जब भी आपको ट्रिम कमांड से हटना है तो इंटर जरूर प्रेस कीजिए, तो ट्रिम कमांड आपका कंटिन्यूस एक्टिवेट रहेगा। तो इस तरह यहाँ पर ये हमारा ये ड्राइंग बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों अगर इस ड्राइंग में आपको अगर कुछ और जानकारी चाहिए या कहीं पर कोई स्टेप अगर मिस हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।